हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैशन रंथ्रा वित्रिया। एक बार फिर से आज आप सभी का स्वागत है आपके अपनी चैनल फैशन रंथ्रा वित्रिया में। तो आई नो आप लोगों के मेरे वीडियो का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सॉरी फॉर दैट कि मैं कल आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। इसीलिए मैं आज की क्लास में आप लोगों को दो कॉलर सिखाने वाली हूँ। तो जो भी आप लोगों की शिकायत है आई थिंक दूर हो जाए। एक्चुअली मैं बिज़ी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो कॉलर बनाना। तो उसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन फॉर माई अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशंस। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारा आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये कॉलर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, बो टाई कॉलर। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जो हमारा बो टाई कॉलर है इसका लुक कुछ इस तरह से आ रहा है हमारे पैटर्न में। ये जो है कॉलर टाई करते हैं और ये जो है लुक देता है एक बो की तरह जब हम इसको टाई करते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है वो बो टाई कॉलर बना है। ये बो का भी काम करता है और टाई का भी एक तरह से काम करता है। सो यहाँ पे ये इसकी जो है ड्राफ्टिंग है, तो ये कॉलर की ड्राफ्टिंग जो है वो आप लोग देख सकते हैं। और इस कॉलर को बनाना बहुत ही इजी है और आप लोग इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को जो है मेन मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को समझ में आए कैसे भी। तो मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। तो इसका जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लोग पूछते हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए। जैसे जैसे आप कॉलर बनाते हैं बिल्कुल वैसे वैसे आपको एज इट इज़ लिखते जाना है कि सबसे पहले हम ऑन फोल्ड पेपर लेंगे, फिर उस पर हम अपना मेजरमेंट जो भी लिया है उसको मार्क करेंगे। ऐसे ऐसे करके आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, तो आप जब भी कभी भी अपने नोट्स उठाकर देखें तो आपको समझ में आ जाए। क्योंकि आप लोग मुझसे मेरे नोट्स मांगते हैं तो वो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे हैं, तो वो आप लोगों के समझ में नहीं आएंगे। इसीलिए आप लोग कोशिश करें कि अपने कंस्ट्रक्शन आप खुद ही लिखें। तो यहाँ पे जो हमारा मेज़रमेंट है वो हाफ ऑफ राउंड नेक है, तो हमारा जो राउंड नेक होता है उसका हम हाफ लेंगे। लाइक अगर हमारा राउंड नेक 16 है तो उसका हाफ 8 इंच लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को जो हमारे कॉलर की विड्थ जो है वो रखनी है, जो भी आपका हाफ ऑफ राउंड नेक है, और उसको जो लंबाई है वो रखनी है 1 इंच। और इस पर हम ऐड करेंगे 16 इंच, 16 to 18। आपको जितना भी लंबा कॉलर चाहिए टाई करने के लिए तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जो एक डिज़ाइनर मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग है वो 16 इंच है, तो आप वो एक्चुअली 16 इंच रख सकते हैं। तो चलिए आपको अब मैं इसको ब्राउन पेपर पर कट करके बताती हूँ। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले पेपर ले लेंगे। यहाँ पे मैंने पेपर थोड़ा गलती से छोटा ले लिया है, तो आप लोग थोड़ा सा बड़ा सा और लंबा सा पेपर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है हम फोल्ड करेंगे इस तरह से एक फोल्ड, और उसके बाद हम करेंगे सेकंड फोल्ड। तो इस तरह से ये जो हमारा कॉलर है वो ऑन फोल्ड पे बनेगा। तो इसके बाद जो है इसकी आप लेंगे लेंथ, जो लेंथ है इसकी वो मैंने 1 इंच बताई है, आप 1 से 1.5 इंच रख सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 1 इंच, और जो इसकी विड्थ होगी वो होगी हमारी हाफ ऑफ राउंड नेक। तो हाफ ऑफ राउंड नेक जैसे कि 16 का हाफ होगा 8 इंच, तो आपका 8 इंच हो गया। और यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे हम इसको 16 to 18 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जितना भी लंबा आपको चाहिए। और यहाँ से हमारी जहाँ पे कॉलर एंड है वहाँ पे हमारी 2.5 इंच लेंथ होगी। लाइक अगर हमारी 1 इंच जो है वो स्टार्टिंग में है तो एंडिंग पॉइंट पे हमारी 2.5 इंच होगी। और जो हमारा 18 इंच हमने लिया है उसका मिड लेंगे, यानी 18 का मिड यहाँ पे होगा 8 इंच। तो इस मिड पॉइंट से यहाँ जो हमारा 2.5 इंच है वहाँ तक जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन देनी है आपको, और आप इसको फ्री हैंड एक स्लाइड कर्व देंगे। ये बो की एंडिंग है, आप चाहें तो इसको स्ट्रेट भी रख सकते हैं, बट इस तरह का जो लुक आता है वो अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप इसको
एक कर्व देंगे स्लाइड कर्व, और आपका जो है बो टाई कॉलर ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब आप इसमें ऐड करेंगे 1/4 यानी कि 0.25 का अलाउंस नीचे की ओर और 0.25 का अलाउंस एंडिंग की ओर। तो यहाँ पे जो है हमारा बो टाई कॉलर बनके तैयार हो गया है। कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो, कहीं पे भी डाउट हो, तो पेपर पे पहले बना के देखना, फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके ज़रूर पूछ लेना। और इंस्टाग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बो टाई कॉलर तैयार हो गया है। तो ये पॉइंट है हमारे राउंड नेक के, और इसके बाद हमारा जो होगा वो टाई कॉलर करने के लिए आगे का होगा। मैंने थोड़ा पेपर छोटा ले लिया इसीलिए ये छोटा सा बन गया है, बट आप लोग इसको प्लीज़ थोड़ा सा लंबा पेपर लेके ही बनाइएगा। तो कुछ इस तरह से हमारा टाई होगा, बो टाई कॉलर। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। और अब हम इसके बाद सीखेंगे हमारा सेकंड कॉलर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आज मैं आपके लिए दो कॉलर लेकर आई हूँ, तो चलिए अब हम अपना सेकंड कॉलर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड कॉलर है वो है रफल कॉलर। तो रफल कॉलर जो है, जैसा कि आप लोगों ने पहले मेरे से रफल स्लीव सीखी है, रफल स्कर्ट सीखी है, तो आप लोगों को आइडिया तो होगा ही कि रफल एक्चुअली किस चीज़ का नाम है, रफल को किस चीज़ से कोरिलेट करते हैं। तो रफ़ल की जब हम बात करते हैं तो रफ़ल जो है मोस्टली जोकर ड्रेसेस में और बच्चों के फ्रॉक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बच्चों के कपड़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, और हमारे टॉप के जो है वो कॉलर्स और स्लीव में रफ़ल्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो जो हमारा रफ़ल का मेज़रमेंट है वो हाफ ऑफ राउंड नेक होता है, और उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से। तो जो भी हमारा हाफ ऑफ राउंड नेक आएगा 7, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 9, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो जो भी आता है उसको हम अनफोल्ड पे लेते हैं। तो रफल कॉलर का, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जोकर ड्रेस बच्चों की ड्रेस पे यूज़ होता है, और फिर अगर आप चाहें तो इसमें कितने भी रफ़ल्स जो हैं ऐड कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रफ़ल्स ऐड करना चाहते हैं। बट जो एक टेक्निकल मेज़रमेंट होता है वो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, ताकि कल को अगर आपके पास कस्टमर आए तो उसके साथ आप किसी भी तरह की डिस्कशन करने में कम्फर्ट रहें। जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है वो देखता है आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी आपके पास कॉन्फिडेंस है अपनी डिज़ाइन को प्रेजेंट करने का। तो जब आपके पास नॉलेज होगी तो जाहिर सी बात है आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। तो यहाँ पर आपको करना है हाफ ऑफ राउंड नेक और उस मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो 2 इंच जो है वो इसकी लेंथ रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे 3 से। तो 2 इंच लंबी एक आपको पट्टी लेनी है और उसको जो है आपको मल्टीप्लाई करते हुए 3 से ऑन फोल्ड पे आपको कट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारे रफ़ल्स हैं आते हैं, गैदर्स हैं जो वो आते हैं। तो इस तरह से हम अपने रफ़ल्स जो हैं वो ऐड कर लेंगे और हमारा रफ़ल कॉलर जो है वो बनके तैयार हो जाता है। हमारे जो रफ़ल्स हैं वो छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, और इसको पे जो है आप बीट्स भी जो है ऐड कर सकते हैं बहुत ही सुंदर से। इसमें फ्रिल के नीचे भी फ्रिल ऐड कर सकते हैं, इसको 2-3 लेयर में बना सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन, आप जैसे इस पे वर्क करना चाहें आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इसको प्लीट में भी बना सकते हैं, आप इस पे हाफ हाफ इंच की या 0.25 की छोटी बड़ी किसी भी तरह की प्लीट्स भी दे सकते हैं, या आप छोटी या बड़ी दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह से अपनी डिज़ाइन को जो है वो नया दिखा सकते हैं, किस तरह से औरों से डिफरेंट दिखा सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट एक जो टेक्निकल चीज़ है वो मैंने आपको बता दी है यहाँ पर इस वीडियो में। सो आई होप मेरा ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।